गई। आप सभी के लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के पास। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का पता होगा कि आगे महाशिवरात्रि आ रही है, तो मैंने सोचा है कि एक छोटा सा शिवलिंग बनाएंगे सुंदर सा, उसे हम एक छोटी सी गार्डन के साथ डेकोरेट करेंगे। और हाँ, आप सभी को पता होगा कि मैं अक्सर वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, पर आज वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल तो होगा ही होगा, पर मैंने कुछ खरीदा है। इसके बिना आज के वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता था, तो मुझे खरीदना पड़ा। पहले मैंने सोचा था कि ऐसा मिट्टी का खरीदूंगी, पर मिट्टी का मुझे नहीं मिला, तो मुझे प्लास्टिक का खरीदना पड़ा। अगर आपको मिट्टी का मिलता है तो आप चाहे तो मिट्टी की बर्तन के साथ ये वाला जो क्राफ्ट है कर सकते हैं। और हाँ, आज नेचुरल प्लांट का इस्तेमाल होगा, मिट्टी का भी इस्तेमाल होगा आगे। तो चलो, जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और हाँ, और ज्यादा बक बक नहीं करती हूँ, चलो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पहले सोचा है कि हम प्लांटर बनाएंगे। इसके लिए इसके पीछे हमको दो छेद करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हमारा पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पौधा ख़राब नहीं होगा, लीक यहाँ से हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल मिट्टी का इस्तेमाल किया है, जैसे कि जो मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं पेड़ लगाने के लिए वही। और मैंने थोड़ा मिट्टी डाला, उसके बाद थोड़ी पानी का स्प्रे कर लिया। ऐसे ही मिट्टी डालती गई और पानी का स्प्रे करती गई, जैसे कि हमारा जो मिट्टी है वो थोड़ा थोड़ा सा गीला रहे। और वेस्ट जो भी था मैंने उसको निकाल दिया है। अब हम इस्तेमाल करेंगे जो सूखी हुई, क्या बोलते हैं उसको, सूखी हुई स्टिक्स का, जो पेड़ में जो सूख जाता है ना स्टिक्स, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। हम टोटली नेचर का इस्तेमाल करेंगे आज का क्राफ्ट बनाने के लिए। थोड़ा सा लास्ट में यूज हो सकता है आर्टिफिशियल, पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने जो भी स्टिक्स कलेक्ट किया था उसको साफ करके यहाँ पर मैंने लगा दिया है, मतलब कि प्लांट कर लिया है। अब हम उंगली के मदद से मिट्टी को थोड़ा दबा देंगे, जैसे कि वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थोड़ा कलरफुल लगना भी चाहिए, हमें थोड़ा क्रिएटिव भी चाहिए। तो मैंने पहले वाले वीडियो में आइसक्रीम स्टिक का कॉन्सेप्ट रखा था, मतलब कि जो भी बनाया था आइसक्रीम स्टिक का क्राफ्ट बनाया था, इसलिए मेरे पास बहुत सारे आइसक्रीम स्टिक्स बच गए थे। तो मैंने सोचा यहाँ पर इस्तेमाल कर लेती हूँ, थोड़ा क्रिएटिव भी लगेगा, कलरफुल भी लगेगा। तो मैंने आइसक्रीम स्टिक को बीचों बीच कट करके उसको मैंने कलर कर लिया। कलर करने के लिए मैंने सिंपली एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया है, मैं हर वक्त जिस कलर का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पिंक, ऑरेंज, येलो, ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत सारे टेबल गुलाब फूल के पौधे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर प्लांट करने के लिए उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता है, तो मैंने उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। मैं यहाँ पर दो तरह के पौधे का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने छोटे वाले पौधा लगाने के लिए एक पतली सी स्टिक का इस्तेमाल किया है, उसको मिट्टी के अंदर होल करके यहाँ पर लगा दिया है। और मैंने पहले सोचा था कि जो दो तरह के प्लांट मैं यूज़ करूँगी, एक तरह का प्लांट चारों ओर लगा दूँगी और अंदर की तरफ और एक डिफरेंट प्लांट। अब हम फिर से आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, प्लेन आइसक्रीम स्टिक का। तो पहले से मैंने जो कलरिंग आइसक्रीम स्टिक लगाए थे उसके बीचों बीच वाला जो प्लेन आइसक्रीम स्टिक है लगा दिया। उसके बाद इसे और थोड़ा एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पर मनी प्लांट ट्री का इस्तेमाल करूँगी। अब हम बनाएंगे शिवलिंग। तो शिवलिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर वेस्ट दिए का इस्तेमाल करूँगी, दोनों दिया को जॉइंट कर देंगे। उसके बाद हम क्ले का इस्तेमाल करेंगे उसके बीच शिवलिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करेंगे कलर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर पानी गिरे तो कुछ होगा नहीं, कलर ख़राब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ स्नेक बनाने के लिए। मुझे स्नेक बनाना अच्छे से नहीं आता है, पर मैंने जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर बना लिया। अब हम शिवलिंग के ऊपर टीका लगा देंगे, उसके बाद उसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, मतलब कि एनहांस करने के लिए मैं गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम जो स्नेक पहले से बनाकर रखे थे उसे यहाँ पर रख देंगे शिवलिंग के ऊपर। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, हम पहले से कलर कर लेते तो अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, अब हम इसको येलो कलर से कलर कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर हम सिबलिंग को रख देंगे। अब हम क्ले का मदद से एक मटका बनाएंगे, एक छोटी सी मटका बनाएंगे। तो मटका बनाने के लिए क्ले को पहले रोल करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा हाथ की मदद से रोल करके उसके अंदर एक मोटी सी स्टिक थी डाल दिया है उसके अंदर। अब उसके चारों ओर, मतलब कि जो होल हुआ है उसके चारों ओर ग्लू के मदद से अब हम फिर से क्ले को ऐसे लगा देंगे, जैसे कि मटकी का शेप ले आएगा। और थोड़ा डिफिकल्ट था, मैंने पहले मटका नहीं बनाया था क्ले से, पर जैसे जैसे हो गया है और अच्छा भी लग रहा है, सुंदर भी है। तो मैंने एक पतली सी स्टिक के मदद से उसके नीचे के ओर होल कर लिया। उसके बाद पहले से मेरे पास जो लकड़ी के पीसेस थे उसको मैंने लाइट ब्राउन कलर से कलर कर दिया है। अब हम धागे के मदद से ऐसे बांध देंगे। मुझे थोड़ा इसको बांधने में तकलीफ हुई क्योंकि मैं अकेली बांध रही थी। कुछ कुछ चीज़ करने के लिए हमें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है, पर मैंने यहाँ पर मैनेज कर लिया और इजीली बांध भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर दिक्कत तो हुआ, पर मैंने मैनेज कर लिया है। अब हम मटका को कलर करेंगे येलो कलर से। कलर करने के बाद हम और एक धागे का इस्तेमाल करेंगे मटका को हैंग करने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला फ्लावर्स को देखकर, क्योंकि मैंने कल कंप्लीट नहीं कर पाई थी वीडियो को टोटली, तो मैंने कल प्लांट लगा दिया था। आज देखिए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आ गए हैं। अब हम जो मटका रेडी किया था उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर अगरबत्ती के लिए स्टैंड रखना था, तो मैंने यहाँ पर से आइसक्रीम स्टिक और पौधा निकाल लिया। पौधा उतने स्ट्रांग नहीं हुए थे क्योंकि मैंने कल ही प्लांट लगाए थे, तो मैंने इसे आइसक्रीम स्टिक से बनाए थे, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। मैंने आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल करके ये वाला जो त्रिशूल है मैंने बनाया थे उसको हम यहाँ पर रख देंगे। मैंने जानबूझकर उसका वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक। आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी शिवरात्रि।